Thank you, Lord. Thank you, Master. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you, Master. We love you, Lord. We glorify your holy name. We worship your holy name. Praise your holy name. धन्यवाद तो प्रभु, तेरी आराधना तेरी महिमा हम करते प्रभु जी. Thank you, Lord Master. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु. ओरी वाशा केरी आलावे, मशोस्तारी आलावे. धन्यवाद आवासी हो, आवासी के. Thank you, Jesus. 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु. प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं. इस सुंदर से दोपहर के लिए धन्यवाद देते हैं. प्रभु जी आपने ये सो अवसर अपने हमें दिया है कि ताकि हम आपकी इबादत कर सके, तेरे वचन के ऊपर अध्ययन कर सके, अपना जीवन फिर से एक बार परमेश्वर आपके नक्शे कदम पर चलने के लिए परमेश्वर तैयार कर सके. इसलिए खुदावन आज परमेश्वर हमारे जीवन में काम करो. परमेश्वर आज हमारे जिस्म में, हमारे परमेश्वर जान में और रूह में एक नया काम करो प्रभु. तेरे कलाम के द्वारा प्रभु हमसे बात करो प्रभु. जाने अनजाने में जानबूझकर जो भी गलतियां अपराध हमसे हुई हमें क्षमा कर, तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर और मसीह तेरी सेवकाई के लिए तू सिद्ध कर. पवित्र आत्मा में मामूर करते हुए उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु नासरी के नाम में पिता तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए फिर से एक बार तो हमारा इस्तेमाल कर. जो भाई बहन आज इस फेसबुक लाइव सेशन में जो आज इकट्ठा हुए हैं और जो होंगे उन्हें प्रभु तो आशीषित कर और तेरे कलाम की रोशनी देकर, तेरे कलाम का मन्ना खिलाकर, तेरे कलाम का सामर्थ देकर मसीह कहलाने वाली चट्टान पर उनके विश्वास के कदम मजबूती से बने रहे ऐसा अनुग्रह सबके ऊपर कर. क्योंकि हालात बिगड़े हुए, इन बिगड़ी हुई हालात में प्रभु हालात को बदलने वाला यीशु मसीह इब्रानी 13:8 के अनुसार कल आज और युगानुयुग एक समान है. हम विश्वास करते हैं हमारा राजा, हमारा बादशाह, हमारा बाप, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर मृत्युंजय है, जो मृत्यु पर जिलाया गया, जो जिंदा परमेश्वर है. धन्यवाद देते प्रभु. यह आराधना जो हम करने जा रहे हैं, आराधना के द्वारा परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए. जो वचन आएगा उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा होती रहे. धन्यवाद देता हूँ, सारा आदर सारी महिमा आपको देता हूँ. सभी डिस्टर्बेंस को, नेटवर्क प्रॉब्लम को यीशु नासरी के नाम में मैं निकाल देता हूँ. आपका इकलौता पुत्र खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में मांगता हूँ, इतने सुन और ग्रहण कर पिता. आमीन, आमीन, हालेलुया. खुदावन यीशु मसीह के नाम में सभी का मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से हार्दिक स्वागत करता हूँ. प्रभु की शांति आपके जीवन में बनी रहे और परमेश्वर का भी धन्यवाद देता हूँ यीशु नासरी के नाम में कि उसने फिर से एक बार मुझे उसकी सेवकाई के लिए लायक ठहराया और इस सेवकाई के लिए चुना. इसलिए मैं उसका भी धन्यवाद देता हूँ. यहोवा निसी चर्च ऑफ क्राइस्ट का जो पेज है, इस पेज के ऊपर जो भाई बहन है, जो चर्च के लोग है, जो हमारे सब मित्र कलीग्स है, उनका भी हम स्वागत करते और विशेष परमेश्वर आज आपको आज के वचन के द्वारा आशीषित करेगा. ये 33वां भाग दाऊद के जीवन से हम देख रहे, निश्चित परमेश्वर आपको महिमा से महिमा में लेकर जाएगा. आइए गीत आराधना का गाकर हम तुरंत वचन में चलेंगे. थैंक यू जीसस, वी लव यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड. धन्यवाद यीशु. थैंक यू फादर. कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कित
इतना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहां दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उन्हीं में, जहां दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उन्हीं में। ना छोड़ू मैं तू अपनी दे दू, तुझे अनाथ भी ना छोड़ू एक मददगार भेजू, तुझे अनाथ भी ना छोड़ू एक मददगार भेजू, यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने, यीशु के सिवाय कब ये बात कही किसने, जहां दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिरी में, जहां दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिरी तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपने जिसने उसे जाना, भरता उसको रूह से अपने जिसने उसे जाना, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, जहां दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उन्हीं में, जहां दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उन्हीं में। हाजिर है वो कहे खुशामद, रूहे पाक जो हाजिर है आओ कहे खुशामद, इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमजे, इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमजे, रू के शोले पर से जब फिर बदल लगे चलने, रू के शोले पर से जब फिर बदल लगे चलने, जहां दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उन्हीं में, जहां दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उन्हीं में, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने,
आसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जानू या तीन जमाओ मैं हूँ हाजिर उन्हीं में, जानू या तीन जमाओ मैं हूँ हाजिर उन्हीं में, जानू या तीन जमाओ मैं हूँ हाजिर खुदावर। विश्वास करते तूने जो वायदा किया है, ये वायदा तू कभी ना तोड़ने वाला, उस वायदे को तू खुद निभाता है। और जब भी हम दो या तीन, बहुत बड़ी संख्या नहीं, बहुत बड़ी भीड़ होना मतलब तू वहां पर है ये सबूत नहीं है, तू बड़ी भीड़ में इंटरेस्टेड नहीं है। जहां दो या तीन सच में आत्मा सच्चाई से तेरे वचन के अनुसार तेरे आत्मा से भरकर जहां दो या तीन इकट्ठा होते प्रभु तेरा वायदा है, तू वहां पर है। इतने धन्यवाद देते प्रभु कि हमारी ना कोई औकात थी कि आपकी इबादत करने की, आपके बेशकीमती लहू से हमें खरीद कर आपकी खिदमत के लिए और इबादत के लिए हमें लायक बनाया, इसलिए तहे दिल से हे खुदावन मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस। आने वाले वचन से हमसे बात कर, दाऊद के जीवन से हम देख रहे हैं उसकी गलती और उसकी सुधार को। अब वही दाऊद भजन संहिता 18:19 में कहता है, जिसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, जिसने मुझे छुड़ाया, क्योंकि वो मेरे विषय में प्रसन्न था। प्रभु संतुष्टि का लाभ और सुरक्षा इस विषय पर अध्ययन करते करते ये 33 पार्ट आज परमेश्वर में पूरा कर रहे। प्रभु हमारी सहायता कर, अब इस कलाम से अच्छी तरीके से प्रभु तेरे मार्गदर्शन को और अगुवाई को ग्रहण करने के लिए हमारे रूह में आज तू काम कर, गहराई तक काम कर, ताकि प्रभु आप तेरे नक्शे कदम पर हर हालात में चलते रहे। हालात अच्छे हो या बुरे हो, हर हालात में तेरे पीछे चलने का हृदय तो हमें दे और वो आत्मा तो हमें दे। धन्यवाद यीशु। मरकुस 11:24 के साथ सहमत होते, जो मांगा है वो आपने पाया है। यीशु नासरी जो था जो है और जो आने वाला, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, जिंदा परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का मेमना, यहूदा का बबर शेर, उस यीशु नासरी के नाम में मांगता हूं, इसे सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार सबका स्वागत करते हैं। चलते हैं वचन में, भजन संहिता 18:19। इस वचन के अनुसार दाऊद कहते हैं, जिसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, जिसने मुझे छुड़ाया, क्योंकि वह मेरे विषय में प्रसन्न था। क्या आपके विषय में आपका उद्धारक, सबका उद्धारक, सारी जहां का उद्धारक यीशु नासरी प्रसन्न है? हमारे जीवन में मनुष्य प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन हमारे जीवन का मकसद ये हो कि प्रभु मैं तुझी को पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी याद तो को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। परमेश्वर चाहता है जैसे उसके पुत्र ने उसको संतुष्ट किया, उसको प्रसन्न किया, उसके चाल चलन में, जब यीशु मसीह परिवार में था, अपने परिवार में, जब सेवकाई में आया, सेवकाई में, जब सूली पर गया, सूली पर, यीशु मसीह शुरुआत से लेके अंत तक पिता को प्रसन्न करने वाला था।
अब यीशु ने कहा जैसे पिता ने मुझे इस दुनिया में भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। पिता ने पुत्र को भेजा तब पुत्र ने अपने जीवन से पिता को संतुष्ट किया। अभी पुत्र ने हमें भेजा है और हमारे साथ वो मददगार भी भेजा है जिसे पवित्र आत्मा होली स्पिरिट होली घोस्ट परमेश्वर की पाक रूह कहा जाता है उसे हमारे बीच में भेजा है ताकि हमारे जीवन में हम हमारे परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु नासरी को संतुष्ट करते रहे। और जब हम उसको संतुष्ट करते हैं तो मुझे बताने के लिए बहुत आनंद होता है कि वो परमेश्वर इसी प्रभु संतुष्टि के द्वारा हमें निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाएगा, हमारा प्रमोशन करेगा और यही परमेश्वर हमें बंधनों से छुटकारा भी देगा। हालेलुया। पुत्र ने पिता का काम बेखूबी किया है। अभी हमारा समय कि जैसा पुत्र कहता है कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। हमें ऑलरेडी भेज दिया गया है लेकिन हम किसको संतुष्ट कर रहे हैं? हमारे रिश्ते नातों को, हमारे भाई बहनों को, माँ बाप को, मेरी कलीसिया को, मेरे लोगों को, निश्चित उनको संतुष्ट करना है। लेकिन पहले पायदान पे, पहले स्टेप पर, पहली लेवल पर मेरा और तुम्हारा कर्तव्य ये है, मनुष्य हमारे जीवन से संतुष्ट हो या ना हो लेकिन हमारे जीवन से हमारा उद्धार करता, हमारा रचयिता, हमारा सृजनहार, हमारा केवनहार वो संतुष्ट हो जाए, ऐसा जीवन हम जीना चाहिए। हालेलुया। शायद ये जीवन जीते वक्त आपके पीछे बहुत कम लोग रहेंगे। शायद ये जीवन जीते वक्त जैसे यीशु के साथ हुआ जब उसने 5,000 की भीड़ को रोटी खिलाया, वही लोग दूसरे दिन ढूंढते आए। यीशु ने कहा तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे हो, जो रोटी और मछली कल खाई ना उसलिए मुझे ढूंढते हो। कुछ स्वार्थी विश्वासी होते हैं जो चमत्कार को नमस्कार करते हैं, जिन्हें यीशु में इंटरेस्टेड नहीं है, उन्हें यीशु की दी हुई रोटी और मछली में इंटरेस्टेड है। जिन्हें यीशु में कुछ भी रुचि नहीं है उन्हें चिन्ह और चमत्कार में, चिन्ह चमत्कार चाहिए लेकिन चिन्ह चमत्कार मेरे जीवन में हो या ना हो तो भी खुदावन मैं तेरे पीछे चलता रहूंगा। आज ये शिक्षा देने वाले बहुत कम लोग हैं। आज लोगों को गलत रीति से गुमराह किया जा रहा है और गलत रीति से आज उन्हें शिक्षा दी जा रही है। कल मैंने एक पेज के ऊपर परमेश्वर ने वचन के द्वारा मुझे आशीषित किया। प्रकाशित वाक्य 2:10 में कहता है वचन, स्मुरना नाम की कलीसिया जो प्रेरितों की पहली कलीसिया का दर्शक है, उस कलीसिया को पत्र लिखते हुए या उसको संदेश देते वक्त परमेश्वर अपने दूत को भेजकर कहता है जाकर कह कि तुझे दुख उठाना पड़ेगा, शैतान तुझे बंदी खाने में डालेगा, जेल तुझे ये इसलिए करना होगा क्योंकि तुझे परखना होगा, तुझे मैं परख लूंगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे ताकि मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मुझे अब तुम्हें क्या चाहिए? वो जीवन का मुकुट, वो परमेश्वर की प्रशंसा, वो परमेश्वर की महिमा। इसलिए अपने जीवन का मकसद बनाए रखो। एक वचन पढ़कर फिर हम हमारे मूल टॉपिक के ऊपर चलेंगे। अगर आप निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। थेसलियों का पत्र, थेसलियों की पत्री, मैं ना करूं मेरे मन की दौड़ू तेरी मर्जी पे, लग जाए ऐसी लत तेरी कुछ और ना भर जाए, मैं ना करूं मेरे मन की दौड़ू तेरी मर्जी पे, लग जाए ऐसी लत तेरी कुछ और ना अब जाए, तेरे हर मकसद को तेरे हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे,
मैं तुझको पसंद आऊ, मैं तेरे दिल को भाऊ, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। पहले थसलियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और वचन 3 से लेके आगे पढ़ेंगे। सेकंड थसलियंस चैप्टर, फर्स्ट थसलियंस चैप्टर 2 एंड फ्रॉम वर्स 3। क्योंकि हमारा उपदेश ना भ्रम से है और ना अशुद्धता से है, और ना छल के साथ है, ना भ्रम से, ना अशुद्धता से, ना छल के साथ है, पर मैंने जब भी कही तो पर आता है, परंतु आता है, क्योंकि आता है, तो समझना है मामला गंभीर है। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, अपनी मन की बातें, बनावटी बातें, मनुष्य को खुश करने वाली बातें, नॉन बिब्लिकल बातें, तेल पानी की बातें, पानी को छिड़क कर अग्नि स्वीकार करने वाली बातें। और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जानता है, प्रसन्न करते हैं। आज जो वो मनुष्य मनुष्य को प्रसन्न करने में लगा हुआ है भाई, पासवान कलिसियों को खुश करने के पीछे लगा है, कलिसिया पास्टर को खुश करने के लिए पीछे पड़ा है, रिश्ते नाते एक दूसरे को खुश करने के पीछे पड़े, एक दूसरे को प्रसन्न करने के पीछे पड़े, अच्छी बात है। लेकिन क्या हमारे जीवन में हमें चौड़े स्थान में पहुंचाने वाला, हमें छुटकारा देने वाला, हमें अगुवाई करने वाला, हमें उद्धार देने वाला, हमें चंगा करने वाला, हमें अनंत जीवन में लेके जाने वाला, वायदा करने वाला यीशु, क्या हम उसे अपने जीवन से प्रसन्न करते हैं? क्या जो प्रसन्न करता है अपनी छाती पर हाथ रख के कहे, हाँ प्रभु मैं इंसान को नहीं, मैं तुझे प्रसन्न करता हूँ। यीशु मसीह ने कान खोलकर सुनो कहा है, जब लूका 14 अध्याय वचन 25 में भीड़ की ओर मुड़कर उसने कहा, सुनो जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने माँ बाप भाई बहन रिश्ते नाते बीवी बच्चे वरन खुद का भी इनकार ना करे और अपनी सूली को उठाकर मेरे पीछे ना हो, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका मतलब रिश्ते नाते को त्यागना है क्या? साधु संत बनकर भगवा वस्त्र पहनकर हिमालय में चले जाना है क्या? नहीं, हमारे जीवन का पहला मकसद हमारा परमेश्वर। मैं जो सेवकाई कर रहा हूँ, जो वचन में प्रचार कर रहा हूँ, वो वचन के अनुसार मैं चल रहा हूँ क्या? क्या मैं केवल आज मनुष्य को ही खुश करने के पीछे पड़ा हूँ? मैं जिस सेवकाई में ऑनलाइन आता हूँ, मैं केवल मनुष्य की खुशामद करने के लिए आता हूँ? अगर ये है तो मेरे लिए ये जो सेवकाई है ये कहीं ना कहीं पाखंड हो सकती है। इसलिए आज भले कड़वी दवाई के जैसा कर मैं बिशप डॉक्टर अमोल सिंह, जिनका मैं बहुत ही आदर करता हूँ, मेरे जीवन के लिए वो बहुत आशीष का कारण है, और परमेश्वर की दया से हमारे रिश्ते भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, और परमेश्वर की दया से वो इतना सुंदर प्रचार करते, कल उन्होंने प्रचार किया और प्रार्थना को अंत करते, उन्होंने बहुत अच्छी प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? प्रभु आज तूने हमें कड़वी दवाई पिलाई है, बहुत कड़वा वचन था, आज कड़वी दवाई नहीं चाहिए किसी को। वो कहते हैं कि प्रभु बहुत कड़वी दवाई तूने आज पिलाई है, लेकिन वो मेरे पेट में मिठास देती है, वो मेरे शरीर को चंगा करती है। आज मीठी मीठी बातों में घुसकर आज मनुष्य कहीं ना कहीं गुमराह हो रहा है, और कुछ लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं। हमें गुमराह जो हो गए, जो खोए हुए हैं, जो भटके हुए हैं, उन्हें सही रास्ते पे, मसीह के रास्ते पे लाने के लिए प्रभु ने बुलाया है। केवल सामर्थ स्वीकारो, अग्नि स्वीकारो, फायर स्वीकारो, इससे कोई परमेश्वर की राह पे नहीं आएगा। वचन की सही शिक्षा दे दो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पूरा कड़क शिक्षा दे दो, लेकिन जो फंडामेंटल टीचिंग जिसे कहा जाता है, मूलभूत शिक्षा, फंडामेंटल शिक्षा जिसे मूलभूत पाया, मूलभूत नींव कही जाती है, जिसकी नींव पश्चाताप, उद्धार और न्याय पे खड़ी है। प्रेरितों का जो फंडामेंटल टीचिंग जो था, वो फंडामेंटल टीचिंग वो रिपेंटेंस, सैल्वेशन एंड जजमेंट, ये तीन बातों के ऊपर था। लेकिन आज ये बातें सब भूल गए। कहीं तो थोड़ी देर के लिए प्रचार करना है, फिर से लौट कर आना, फिर वही दुनिया की बातों में गिनना है। आगाह कर रहा हूं परमेश्वर का वचन आपको। और आज हमारे जीवन का मकसद प्रभु संतुष्टि होना चाहिए।
ना कि मनुष्य संतुष्टि। मनुष्य संतुष्टि, ह्यूमन प्लीजिंग मिनिस्ट्री शायद आपको मनुष्य के सामने महिमा देगी, लेकिन परमेश्वर के सामने दुर्गंधी आएगी। परमेश्वर ऐसी व्यक्ति की ओर से अपनी पीठ घुमा लेगा। बहुत सारे लोग अब शारोप की मिनिस्ट्री करती है, मनुष्य को खुश करने वाली बातें, दादा काका मामा ताई उनके हाथों को चूमते, जैसे अपशालोम उस नगर की उस सीमा के ऊपर रुक के वो लोगों के हाथों को चूमता था, उन्हें खुश करता था। आज बहुत सारे लोग अपशालोम की सेवकाई में आ गए हैं। दादा काका मामा ताई, आज इन बातों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छी बात है, तुम पर्सनली जाके आपका प्रेम छिड़को, लेकिन जब ऑनलाइन में आते हो ना तो तुम्हें परमेश्वर का, मुझे आपको बताना है कि जब एलिशा नाम का भविष्यवक्ता जब उस नगर से जाता आता था शुनेम से, शुनेम करीत ने कहा अपने पति से, ये कोई परमेश्वर का पवित्र जन मालूम होता है। क्यों कहा? हमारी सेवकाई, हमारा बोलना, हमारा चाल चलन, हमारा बैठना, ये बातों से उसमें छिछुरेपन नहीं होना चाहिए। उसमें केवल मनुष्य को खुश करने वाली मीठी मीठी बातें नहीं होनी चाहिए। एक सेवक के अंदर आदम के साथ, तहजीब के साथ, डिसिप्लिन के साथ एक शिष्य जो होता है उसके अंदर शिस्त होती है, जिसके अंदर तमीज होती है, डिसाइपल के अंदर डिसिप्लिन होता है। आज वो डिसिप्लिन छोड़ दिया है। मनुष्य को खुश करने में कोई पॉलिटिशियंस ऑनलाइन में आते तो पॉलिटिशियंस के लिए भविष्यवाणियां शुरू हो जाती है, उनको गांव का नाम का ये सब पूछा जाता है। अरे तुम ये सब दुनिया की चर्चा करने के लिए ऑनलाइन आते हो या खुदा का सेवा करने के लिए आते हो? स्वर्ग से परमेश्वर देखता होगा, अरे ये मेरी काम करने के लिए आया कि लोगों की खुशामदीन करने के लिए आया है? कोई अच्छा बड़ा व्यक्ति आए, हाँ मुझे प्रभु दिखा रहे तुम ये गाँव के, मैं ये गाँव का, अरे ये क्या नाटक लगा के रखा है? अगर हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए आए तो ये पूरा समय परमेश्वर को खुश करने में लगना चाहिए। और वचन की योग्य शिक्षा दो, हमें आत्मा और वचन ये बैलेंस करते हुए चलना है। केवल वचन वचन लेके नहीं चलना है, केवल आत्मा आत्मा लेके नहीं चलना है, वचन का एक कदम आत्मा का एक कदम, वचन का एक कदम आत्मा का एक कदम। जो इस तरीके से चलेगा वही व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में संतुलित चाल चलेगा और परमेश्वर यीशु के लक्ष्य कदम पर चलता रहेगा। ये सब चीजों के चारे आज जो भी करता होगा उसने ये बंद करना चाहिए, क्योंकि यीशु नसरी इन सब बातों से खुश नहीं होता है। उसने शास्त्री फरीसियों को खुश नहीं किया। एलिशा के पास नामान नाम का सेनापति आया था, वो उसके साथ सीधे मुंह बात भी नहीं किया, दरवाजे से संदेशा भेजा, जाके यर्दन में जाके सात डुबकी मार। उसने जाकर ये नहीं बोला, चलो चलो हटो बाजू में, कोई तुम्हें बड़ा व्यक्ति आए, यस सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या करूं। उसने ऐसी खुशामदीन नहीं की, उसने मनुष्य को खुश नहीं किया। वो जब परमेश्वर की हुजूर में बैठा था, वो परमेश्वर की हुजूर में परमेश्वर को खुश कर रहा था। लेकिन आज ऑनलाइन में जब कुछ पॉलिटिशियंस आते हैं तो उन्हें खुश किया जाता है। खबरदार, मैं आपको बंद करना चाहता हूँ, ये सब गलत सेवकाई को बंद कर दो और योग्य सेवकाई करो। बाइबल कहता है भजन संहिता 18:19 में दाऊद कहता है, उस खुदावन ने मुझे चौड़े स्थान में, अगर चौड़ा स्थान चाहिए, उस खुदावन ने मुझे छुटकारा दिया, अगर छुटकारा चाहिए तो वो कहता है क्योंकि वो मेरे विषय में प्रसन्न था। और वचन पढ़ना चाहूंगा, पौलुस ने तो कहा कि हम मनुष्य को नहीं तो परमेश्वर को संतुष्ट करने वाले लोग हैं। मुझे ये वचन जुबानी याद है लेकिन मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ। यीशु मसीह कहता है कि जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा है, जो मेरे साथ है, जिसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि जो उसको भाता है वही बातें मैं करता हूं। यूहन्ना 8:29 और वचन 29, मेरा भेजने वाला, यीशु मसीह कह रहा है, गौर से सुनो, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं, कभी कभी नहीं, सर्वदा वही पिता को खुश करने वाला काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। तुम्हारा भेजने वाला तुम्हारे साथ रहे अगर आपकी इच्छा है, मेरी भविष्यवाणी से तुम्हारा भेजने वाला तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तुम्हारा भेजने वाला तुमको कभी अकेला ना छोड़े, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो वही करो जो तुम्हें भेजता है, जो उसे भाता है वही सर्वदा करो, तब वो तुम्हें आशीषित करेगा और वो तुम्हारे जीवन में आशीष भेजेगा। वही काम करो जिससे वो प्रसन्न होगा। ये मनुष्य की दुश्मन बातों में कुछ नहीं है। आज तुम मनुष्य को खुश करोगे, कल वो मनुष्य को कुछ बोलोगे, वो तुम्हें त्याग कर चला जाएगा। मनुष्य के लिए 10 में से 9 बातें अच्छी करो, 9 बातें बहुत अच्छी करो, लेकिन एक बात में अगर आप उसको करेक्ट करोगे,
एक बात तुम्हें अगर उसकी गलती दिखाओगे वो नौ बातों को भूल जाएगा और एक बात को लेकर वो आपके खिलाफ बगावत करके वो बागी बन जाएगा। हालेलुया। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस भाषा के ऊपर आपका प्रभुत्व है, जो भाषा आप अच्छी तरह से बात कर सकते हो उसी भाषा में प्रचार करो। कुछ लोगों को हिंदी भाषा करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो हिंदी और मराठी को मिक्सचर करते हुए वहां पे कहीं ना कहीं लोग हंस रहे, अन्य जाति के लोग तुम्हारे हिंदी के ऊपर हंस रहे। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं, तो आप आपकी माई बोली भाषा अगर मराठी है, कन्नड़ है, तमिल है, तो आप उसमें बात करो। एक्स्ट्रा स्मार्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस भाषा के ऊपर अपना प्रभुत्व है, या तो फिर अच्छे से अभ्यास करो, अच्छे से स्टडी करो, फिर उस भाषा में अपना प्रचार शुरू करो। नहीं तो क्या है, आधा हिंदी आधा मराठी, तुम्हारे सुनने वाले लोग अगर मराठी है तो किस लिए जरूरत है हमें हिंदी की। आज मैं हिंदी भाषा में इतने प्रचार कर रहा हूँ कि मेरे जो नॉर्थ के जो भाई बहन है, जो पासवान है, जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, उसके साथ साथ कर्नाटका, तमिलनाडु, जगह जगह से जो लोग एमपी, यूपी, जो बिहार से लोग है, वो चाहते हैं कि पास्टर जी आप मराठी में बोलते हो लेकिन हमें प्रचार समझ में नहीं आता है, तो आप हिंदी में प्रचार करोगे तो हमें भी समझ में आएगा। इसीलिए उनकी विनती के ऊपर मैंने हिंदी में शुरुआत किया है। लेकिन हमारा संडे का चर्च प्योर मराठी में होता है क्योंकि वो संडे फेलोशिप है मेरे लोगों के लिए, मेरी जो मायभूमि है। भले मेरा सरनेम ठाकुर है लेकिन मैं पक्का महाराष्ट्रीय हूँ क्योंकि मैं जन्मा हूँ महाराष्ट्र की भूमि में। मैं पढ़ाई लिखाई मेरी मराठी मीडियम में हुई है और बहुत कम पढ़ा हूँ लेकिन प्रभु की दया से मैं बात करता हूँ। हालेलुया। तो ये टॉपिक नहीं है मेरा, मुझे बताना है कि आज हमें किस तरीके से प्रभु को खुश करना है। अगर हम प्रभु को खुश करने में कहीं ना कहीं आज गलतियां कर रहे तो आज हमें सुधरना होगा और एक नई शुरुआत करनी होगी। आमेन। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करना चाहता है, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाना चाहता है। लेकिन क्या आज इस परिस्थिति में आज परमेश्वर को संतुष्ट करने वाली सेवकाई आप करोगे? तो दाऊद के जीवन में से हम दाऊद की तीन गलतियों को देख रहे हैं। उसमें से पहली गलती थी जो व्यवस्था के खिलाफ संदूक लाते वक्त उसने वो गलती को किया, उसमें उज्जा नाम का जवान मारा गया जो संदूक को पकड़ने की कोशिश में मर गया। लेकिन दाऊद को उस गलती को सुधार दिया और जाके फिर से योग्य रीति से उसने संदूक को यरूशलेम में लाया। दूसरी गलती उसने की जो परमेश्वर की पवित्रता के खिलाफ थी कि जिस दिन रफा शहर में युद्ध चल रहा था लेकिन दाऊद अपने पलंग पे सोया हुआ था, खा पी के सो गया था। दाऊद ने युद्ध करने का छोड़ दिया, आराम फरमा रहा था और यही बात उसके जीवन में नाश का कारण हो गई और दाऊद को बत्शबा के उस प्रेम जाल में वो फंस गया और दाऊद के जीवन में उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। अभी हम तीसरी गलती का सुधार और गलती को देख रहे हैं जो उसने परमेश्वर के सामर्थ्य के खिलाफ किया, जो दूसरा शामिल 24:1 में बाइबल कहता है कि उसे परमेश्वर ने उभारा ताकि इज़राइल की गिनती करे। और पहला इतिहास 21:1 में बाइबल कहता है कि शैतान ने उसको उकसाया। ये दोनों बात हम देख चुके हैं कि जब परमेश्वर उभारता है उसके ऊपर से हमने पत्रस के जीवन से देखा है कि परमेश्वर ने उसकी खुशामद भी की और गलती करने के बाद उसको उसकी अवकाश भी दिखाई। दूसरी बात हमने परसोई हमने बिलाम से जीवन से देखा कि हम ये गलतियां क्यों करते हैं, शैतान हमें क्यों उकसाता है और परमेश्वर हमें क्यों उभारता है। उभारना मतलब प्रभु कहते हैं जा तुझे जो करना है कर, और शैतान पे उस वक्त हमें उकसाता है। यस यू आर राइट। ये क्यों होता है? जब हम जिस उद्धार के बाद जिस जीवन रेखा पे खड़े रहते, उद्धार की रेखा पे हमारा झुकाव अगर नम्रता से परमेश्वर के पक्ष में, तो निश्चय पवित्र आत्मा यीशु नासरी के नाम में पिता के हमारा इस्तेमाल करेगा। लेकिन हमारा झुकाव अगर दुष्ट के पक्ष में होगा तो दुष्ट आत्मा हमें उसके मार्गदर्शन से लूसीफर के राज्य को, शरीर के कामों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन शरीर के कामों को बढ़ाने के लिए हम इस दुनिया में रखा नहीं, तो आत्मिक बातों को बढ़ाने के लिए दुनिया में रखा है। अब जब इन बातों पर हम गहराई से देखते हैं, दाऊद के जीवन से, दाऊद से ये गलती हो गई, दाऊद को समझा मैंने पिता के खिलाफ ये गलती की, दाऊद ने वहां पर मन में व्याकुल होके परमेश्वर से क्षमा मांगी और कहा कि खुदावन मैंने महापाप किया है। नंबर 2 कहता है मुझसे अधर्म हुआ है और नंबर 3 कहता है मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है।
अब इन बातों से आगे मैं इसलिए आप वचन नहीं पढ़ रहा हूँ, आप आपके वचन में पढ़ सकते हो, आप दूसरा शामिल 24 अध्याय 1 से लेके आगे पढ़ सकते हो, पहला इतिहास 21 अध्याय 1 के आगे पढ़ सकते हो। और वहां पे दाऊद जब ये तीन बातों को एक्सेप्ट करता है, नंबर एक गिनती करके उसने जो महापाप किया, मतलब क्या किया, जो गोलियत से लड़ते वक्त शाउल जब उसके जान के पीछे था, उससे भागते वक्त सिकलग में कबीले का सरदार होने तक, हेब्रोन में वो यहूदा का राजा होने तक, सियोन में इज़राइल का राजा होने तक, यही दाऊद सेनाओं के यहोवा पे भरोसा रखता था। लेकिन एक समय आ गया दुनिया के पक्ष में थोड़ा सा झुकाव चला गया। कभी कभी लोग है ना अपने एडवर्टाइज करने के लिए ना दुनिया के तरीके से, हमारे पास इतने, हम इतने लोग है, हमारे पास इतने बपतिस में होने वाले, हम ऑनलाइन करने वाले, हम का करने वाले, तबका फलाना करने वाले, ये सब बातें में क्या आता है, मैं। और ये जब मैं आता है ना, ये मैं बहुत खतरनाक है। जब दाऊद जैसे व्यक्ति को अगर वो परमेश्वर शासन कर सकता है तो तुम और मैं किस खेत की मूली है। जब ये मैं आता है ना, ये मैं जब आएगा तो परमेश्वर उभारने के लिए छोड़ देता है और शैतान उकसाना शुरू कर देता है। लेकिन जब दाऊद को एहसास हुआ कि मैं गोलियात से लड़ते वक्त, मैं सेनाओं से लड़ते वक्त, शाऊल से भागते वक्त, सिकलग में कबीले का सरदार होने तक, हेब्रोन में यहूदा का राजा 7 साल तक होने तक, इसराइल का राजा सियोन में होने तक, तब तक मैं सेनाओं के यहोवा पे विश्वास करता था। लेकिन जैसे दुनिया में झुकाव चला गया, वो सेनाओं के यहोवा को छोड़कर सेना पे विश्वास करने लग गया। बहुत सारे लोग हैं जो शुरुआत बहुत आत्मा से करते हैं, लेकिन बाद में शारीरिक हो जाते हैं। पहले बहुत रहता है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, लेकिन बाद में हम ही हम है, बाकी सब पानी कम है, मैं आ जाता है, ये मैं बर्बाद कर देता है हमें। और इस मैं को आज आपको मुझे कुचलना होगा और ये कहना होगा, प्रभु ये सब कुछ तेरी कृपा से है, ये सब कुछ तेरी कृपा से, हमारा कुछ नहीं है प्रभु, ये जो भी है तेरे वजह से, सब कुछ तेरे वजह से, यीशु के लहू के वजह से। आज दुनिया में मैं जो हूं वो यीशु के वजह से हूं। ये जब कहेंगे आप सही रीतिंग से सेवकाई करोगे तो निश्चित परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो प्रचारक है, फिर आप पास्टर हो, प्रॉफेट हो, अपोस्टल हो, इवांजेलिस्ट हो, या टीचर हो, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में से कोई भी आप हो, ये फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री वैसा सबको दी गई है, परमेश्वर अपने लोगों की जरूरत के अनुसार हमारा इस्तेमाल करता है। लेकिन जब भी आप प्रचार करते हो ना, तो प्रचार ही करो। अगर ऑनलाइन में कोई आपके ऑनलाइन में अगर नरेंद्र मोदी भी आकर अगर देखता होगा ना, तो उसका स्वागत करने की कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली उसके लिए भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है। जब प्रचार करते हो तो प्रचार ही करो, बाकी बातों में मत गिरो। हालेलुया। यहाँ वहां की बातों में ये जो परमेश्वर का काम है, इसको ठट्टों में क्यों उड़ाते हो? गलती हो 6-7 में दिया है, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता है। मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा, अगर शरीर के लिए बोएगा तो मृत्यु को काटेगा, आत्मा के लिए बोएगा तो अनंत जीवन को काटेगा। ये सब फिजूल की बातें बंद कर दो, टाइम पास करना बंद कर दो, वापस सेवकाई करनी होगी। हालेलुया। और दाऊद ने इन गलतियों को स्वीकारा, उसको समझा कि मैं सेनाओं के यहोवा पे भरोसा रखने वाला, दुनिया के तरीके से मैं मनुष्य पे विश्वास करने लग गया। और यिर्मयाह नबी उसका एक वचन 17:5 में क्या कहता है, इस वचन को पढ़कर हम आगे चलते हैं। यिर्मयाह का 17 अध्याय और वचन 5 क्या कहता है, हमेशा इस वचन को आपके बाइबल में अंडरलाइन करके रखो। यिर्मयाह 17:5, यहोवा यो कहता है, गौर से सुनो, शापित है वो पुरुष, फिर वो पुरुष प्रेषित हो, अपोस्टल हो, फिर वो पुरुष भविष्यवक्ता प्रॉफेट हो, फिर वो पुरुष इवांजेलिस्ट या सुसमाचारक हो, फिर वो पुरुष पास्टर हो या चरवाहा हो, पासवान हो, फिर वो पुरुष टीचिंग करने वाला टीचर हो या शिक्षक हो, या कोई विश्वासी पुरुष या स्त्री हो, या कोई जवान लड़की या लड़का हो, शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जो मनुष्य का सहारा लेता है, भरोसा मनुष्य पे रखता है और मनुष्य का सहारा लेता है, जिसका मन यहो से भटक जाता है। ये वचन मराठी में पढ़ो, परमेश्वर असे म्हणतो
परमेश्वर असे म्हणतो, राजू ठाकूर नाही कुठला भविष्य वक्ता नाही, परमेश्वर असे म्हणतो जो पुरुष जो ईश्वर मनुष्यावर भिस्त ठेवतो, मानवाला आपला बाहू बनवतो, मेरे लोग मेरा आपका ये दादा वो दादा ये ताई वो माई मनुष्य को अपना बाहू बनाता है, जिसका मन यहोवा से भटक गया है वो शापित है। आप कहेंगे हम शापित नहीं है, गलतियों का तीसरा अध्याय वचन 14 कहता है यीशु मसीह हमारे लिए शापित हो गया ताकि हम आशीषित हो। निश्चित उद्धार के बाद हम आशीषित हुए, लेकिन क्या उसके बाद मैंने मनुष्य के ऊपर अगर भरोसा रखा है, मैंने अगर मनुष्य को अपना बाहुबल बनाया है, मेरा मन यहोवा से भटक गया है, तो मैं अपने आप मैंने स्वयं घोषित मैंने स्वनिर्मित मैंने वो शाप को तैयार किया है। इसीलिए सुधर जाओ, मनुष्य को बाहुबल बनाओ, जब सेवा करते तो सेवा ही करो, ये चिचोलापन बंद करना चाहिए हमने। हालेलुया। आइए और दूसरी बात ये भी समझ में नहीं आता है कहाँ पे हालेलुया बोलना है, कहाँ पे प्रेज़ द लॉर्ड बोलना है, ये भी समझ में नहीं आता लोगों को। हालेलुया, लोगों को वो भी समझता नहीं कहाँ पे परमेश्वर की महिमा करनी है, किधर भी हालेलुया, किधर भी प्रेज़ द लॉर्ड, किधर भी रबा रबा, किधर भी शरारा रबा शरारा शरारा। तो मेरे को लगता है पिक्चर का कोई फिल्मी गाना देखते है लोग, इसीलिए शरारा शरारा चलता है। ये शरारा जो चलता है ना, ये फिल्मी टोन है, अन्य भाषा का भाग मुझे नहीं लगता ये। अगर अन्य भाषा बोलते हो ना तो दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है, अन्य भाषा बोलने के लिए एक जगह होती है और अन्य भाषा बोलने का समय होता है, प्लेस टाइम एंड पैटर्न। अन्य भाषा की तीन बात समझ लो, प्लेस जगह समय टाइम और पैटर्न तरीका। ये तरीके को समझ लो कैसे करना है, अगर नहीं समझते तो किसी के पास से सीख लो। केवल अन्य भाषा बोलने से आत्मा से भरे हुए नहीं होते, पवित्र आत्मा से भरने का दर्शक केवल अन्य भाषा नहीं है, तो पवित्र आत्मा से भरने का दर्शक पिता के राज्य को बढ़ाने वाली बात है, मनुष्य को संतुष्ट करने वाली नहीं तो पिता को संतुष्ट करने वाली बात है। इसीलिए हमने भजन संहिता 18:19 लिया है कि मनुष्य संतुष्टि नहीं तो प्रभु संतुष्टि का लाभ सुरक्षा क्या है यह हमें सीखना है। तो आए हम चलते, हम अभी बिलाम के पास नहीं जाएंगे, हमने बिलाम के ऊपर बहुत गहराई से देखा है, अब हम चलेंगे वहीं पर शामुएल की उस किताब में जहां पर दाऊद को तीन ऑप्शन देख दिए गए, क्योंकि तीन गलतियों को माना उसने। वो कहता है कि मैंने महापाप किया, सेनाओं के यहोवा पे विश्वास को छोड़कर मैं सेनाओं पे विश्वास करके मैंने सेना को गिन लिया, ये महापाप हुआ, यही मेरा अधर्म है, ये मेरा अधर्म है और ये मेरी बड़ी मूर्खता है। तो जो तीन गलतियों के लिए तीन उसके लिए सजा आ गई, इसलिए गाद नबी आकर कहता है दाऊद तूने गलती की है, तो तीन महीने का तीन साल का अकाल, तीन महीने का शत्रु या तीन दिन का कोरोना वायरस, क्या चाहिए तुझे। तब दाऊद तीन दिन का कोरोना वायरस महामारी को चुन लेता है। अब ऐसा होता है कि बाइबल कहती है कि जब 21:14 पहला इतिहास 21:14 तब यहोवा ने इसराइल में मरी फैलाई, किसने, शैतान ने नहीं रे बाबा, यहोवा ने मरी फैलाई। कुछ लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि ये कोरोना वायरस परमेश्वर से है क्या, शैतान से, इसीलिए कोरोना वायरस को लोग डांट रहे। अगर ये शैतान की ओर से होता था ना, तो परमेश्वर अपने बच्चों की सुधि रखने वाला है वो उसको उसमें से छुड़ाता था, और एक देश में होता था, समझ लो मेरी बात, सारी दुनिया में यह चल रहा है, कहीं ना कहीं भूकंप हो रहे, कहीं ना कहीं बाढ़ आ रही है, सृष्टि जो नेचर वो भी तकलीफ के मारे, कहीं पर पेड़ उखड़ कर आए, कहीं पे लैंडस्लाइडिंग हो रहा है, कहीं पे तूफान आ रहा है, समुंदर अपनी सीमा को छोड़कर रास्ते पे आ रहा है, कायनात भी हमें यह संदेश दे रही है, मेरा परमेश्वर कहीं ना कहीं मानव जात से नाखुश है, शोकित है, और इसलिए सृष्टि भी अपने नियमों के बाहर आ रही है। ये सब बातें क्या हो रही है, ये सब बातें हमें संदेह दे रही है। ये जो कोरोना वायरस, मैं बताना चाहता हूं ये शैतान की ओर से, शैतान की औकात नहीं है, सारी दुनिया में हाहाकार मचाए, वो पर्टिकुलर एक जगह में काम करेगा। सारी दुनिया अगर कोरोना वायरस से अफेक्टेड है, इसमें से हमें समझना है, मेरा पिता चाहता है कि मनुष्य सुधर जा, तेरी औकात क्या है, फिर से लौट कर आ।
याद कर तू कहां से गिरा, लौटा और अपने मन को फिरा और पहले सा प्यार तू करना शुरू कर। ये सब बातें दवाइयां बड़े बड़े ज्ञानी साइंटिस्ट अपने ज्ञान का डंका पीटने वाले वो हाथ प्यार बैठे बैठे थे, अभी किधर वो दवाई आ रही है? ये दवाई क्यों आ रही मैं आपको बताना चाहता हूँ। सितंबर से दवाई आ रही है, भले घोषित किया है लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि एक साइंटिस्ट है जो विश्वासी है, जिनका नाम है सिस्टर सारा गिलबर्ट, जो इंग्लैंड में इंग्लैंड वायरस यूनिवर्सिटी की वो वायरस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वो हेड है, जिसने अप्रैल में घोषित किया था कि परमेश्वर के अनुग्रह से मैं जो दवाई बना रही हूँ वो सितंबर सेकेंड वीक में आएगा। और सारा गिलबर्ट और पुणे का सेरम इंस्टीट्यूट एक साथ आकर, लेकिन उसमें एक विश्वासी का हाथ है और परमेश्वर विश्वासी को ही सहायता करेगा दवाई बनाने के लिए। बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए, इजराइल भी चुपचाप बैठा है जो ज्ञान का भंडार लेके बैठा है, अमेरिका भी चुपचाप बैठा है, जो चाइना ने ये वायरस बनाया वो भी चुपचाप बैठा है, लेकिन दवाई इंग्लैंड से आ रही। एक विश्वासी सारा, अब्राहम की पत्नी का नाम था सारा, उसके द्वारा और भारत का सेरम एक साथ आके ये दवाई बना रही है। हालेलुया। ये जो वायरस है ना, बहुत सारे गलत भविष्यवाणी कर रहे, शैतान की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से, ताकि परमेश्वर चाहता है मेरे चुने हुए लोग जो दुनिया के पीछे रुपए को अपना स्वामी बनाए थे, वो भटक गए थे, वो फिर से अपने स्वामी के पास आए और अच्छी शुरुआत करें। जिन्होंने रुपए का अपना स्वामी बनाया था, इटली में जाकर देखो, मिलियन बिलियन पाउंड रोड पे पड़े हुए थे, उठाने वाला कोई नहीं था। ए मनुष्य, अपने रुपए धन के ऊपर घमंड मत कर, अगर घमंड करना है तो अपने यहोवा पे घमंड कर। हालेलुया। अब जब ये बातों को देखते, तब यहोवा ने यहाँ पे दिया है मरी फैलाई, ओके, और इसराइल में 70,000 पुरुष मर मिटे। फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी नाश करने के लिए भेजा, और वो नाश करने पर ही था। दान से लेके बेर्शेबा में एक दूत को भेजा जहाँ पे 70,000 पुरुष मर गए, लेकिन परमेश्वर ने एक दूत को यरूशलेम की ओर भेजा, मतलब अपने लोगों के पास भेजा, और बाइबल कहता है वो नाश करने पर ही था। यरूशलेम के ऊपर तलवार उस महामारी के द्वारा उठाने के लिए तैयार ही था, तो बाइबल कहता है यहोवा दुख देने से खेदित हुआ। ये परमेश्वर जब नाश करता है ना, तो वो भी कभी कभी दुखी होता है। मैं एक बाप हूं, मुझे पता है, कभी कभी मैं मेरे बच्चों को पनिशमेंट करता हूं, कभी कभी मैं उनको, कभी कभी पनिशमेंट में मैं उनको कभी कभी मारता भी हूं, लेकिन वो मारने के बाद दिल में मैं बहुत दुखी होता हूं, मैं बहुत रोता हूं, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है कि हमारे बच्चों को हम डिसिप्लिन लगाना चाहिए, नरक की अग्नि से उसको बचाने के लिए आज ही तेरे हाथ में लाठी है तो उसका इस्तेमाल कर। बाइबल परमिशन देती है फालतू का लाड नहीं करना चाहिए, जब वो गलत है तो गलत ही करो, अगर वो गलत दिशा में चल रहा है तो उसको हमें सुधारना होगा। आगे चलते, यहोवा दुख देने से शोकित हुआ, खेदित हुआ, और नाच करने वाले दूत से कहा बस कर। क्या कहता है? बस कर रहे बाबा, बस अभी मुझे नहीं सहन हो रहा है, मेरे ही लोग है, यरूशलेम के ऊपर तलवार मत चला, यरूशलेम के अंदर मुझे क्या बताना है, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग जो परमेश्वर में रहते वो यरूशलेम में रहते, और यरूशलेम पे महामारी का कोई अटैक होगा नहीं, भले वो महामारी का रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा लेकिन परमेश्वर उन्हें चंगा करके नेगेटिव करेगा। हालेलुया। आगे कहता है, वो कहता है बस कर, अपना हाथ खींच ले। उस समय यहोवा का दूत यबूसी ओर्नान के खलिहान के पास खड़ा था, दाऊद ने आके उठाकर देखा कि यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई यरूशलेम के ऊपर बढ़ाई हुई एक तलवार लिए आकाश के बीच में खड़ा है। तब दाऊद और पुरनियों ने टाट पहने और मुंह के बल गिरे। दाऊद ने गलती को सुधार दिया। भाइयों, कैसे सुधारा? जब उसने देखा आकाश और पृथ्वी के बीच में परमेश्वर का दूत नंगी तलवार लिए और यरूशलेम की ओर बढ़ाई हुई तलवार है, तब उसने क्या किया, दाऊद और उसके पुरनिया जो उसके साथ है उन्होंने टाट पहन लिया, उन्होंने सैकलॉथ, वो सैकलॉथ को पहन लिया, वो टाट को, वो गोनी को पहन लिया, और वहां पे पश्चाताप करने के लिए बैठ गए। हालेलुया। दाऊद ने गलती की लेकिन पश्चाताप कर रहा था। बाइबल कहता है 2 करिन्थ 7:10 के अनुसार, ईश्वर प्रेरित दुख, ईश्वर प्रेरित गम
उद्धारदायी पश्चाताप को जन्म देता है जिससे बुरा नहीं लगता है। हालेलुया, दाऊद को समझ में आया। भगवान आगे कहती है, तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा, जिसने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी थी, क्या वो क्या मैं नहीं हूं? और बहुत बुराई किए वो मैं ही हूं। सारी प्रजा के सामने अपने गुनाह को कबूल किया, मैं पापी हूं प्रभु, मैं पापी पापों में था, तुझ बिन मैं कुछ भी ना था, मैं पापी पापों में था, तुझ बिन मैं कुछ भी ना था, तेरे बलिदान से मसीह पाई है मैंने क्षमा। दाऊद ने गिनती की, अब वो इस गुनाह का मेन गुनेगार है, ये खुलेआम दाऊद ने कबूल किया। बाइबल कहता है, जो कबूल करता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। धन्य वे लोग जिनके अपराधों को यीशु के लहू के अंदर ढाक दिया है। Blessed those people, हालेलुया। आगे कहता है बाइबल, वो तो मैं हूं परंतु इन भेड़ बकरियों ने क्या किया है, इसलिए हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरा हाथ मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो परंतु तेरी प्रजा के विरुद्ध न हो कि वे मारे जाए। वो क्या कहता है, तेरा हाथ यरूशलेम पे गिरने दे, मेरे लोगों पे गिरने दे, लेकिन मेरी प्रजा पे मत गिरने दे, जो दान से लेके बेर्शेबा तक है। ये कबूल करता है, कहता है मेरी गलती है, मेरे लोगों को सजा दे, निष्पाप लोगों को, इनोसेंट लोगों को सजा मत दो। हालेलुया। तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी, दाऊद चढ़कर यबूसी ओर्नान के खलियान में यहोवा की एक वेदी बना। हालेलुया। राजा को वेदी बनाने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने जो प्लान किया था, यहूदा में से ही महायाजक आएगा, यहूदा के गोत्र में से ही उद्धारक आएगा, और वास्तविक पुराने नियम के जो याजक थे वो लेवी गोत्र से आते थे, लेविटिकस में से आते थे, लेकिन परमेश्वर ने जो लेवी गोत्र का जो याजक एली था उसको एक अननोन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था कि मैं तुम्हें त्याग दूंगा और मैं मेरा चुना हुआ एक व्यक्ति को खड़ा करूंगा। परमेश्वर ने राजा दाऊद को वहां पे खड़ा किया, और इसीलिए इसी राजा दाऊद के यहूदा के गोत्र में से यीशु मसीह आया, जो याजक नहीं तो महायाजक बनके खुद का लहू लेकर पिता के सामने परम पवित्र स्थान में गया। और बाइबल कहती है जब याजक बदल गया तो व्यवस्था भी रद्द हो गई, ये रद्द हो गई, याजक लेवी गोत्र से आता था, लेकिन हमारा महायाजक यहूदा का शरीर पर उस गोत्र में आया, जो राजा भी है जो याजक भी है, जिसका एक स्वरूप में एक डेमो, एक यहाँ पे सिंबॉलिक चिन्ह में दिखता है कि दाऊद को वेदी बनाने को कहा। देखो आगे क्या हुआ, दाऊद को कहा, एक वेदी बना, गाद के इस वचन के अनुसार यहोवा के नाम से कहा था। दाऊद चढ़ गया और ओनान के पीछे फिर से दूत को देखा और उसके चारों बेटे के उसके संग छिप गए थे। ओनान उस समय गेहूं के दाव में रहता था। जब दाऊद ओनान के पास पहुंचा तब ओनान ने दुष्टि करके दाऊद को कहा, खलियान से बाहर जाकर भूमि तक झुककर दंडवत किया। तब दाऊद ने ओनान से कहा, इस खलियान का स्थान मुझे दे दे, क्योंकि मैं इस पर यहूदा की यहोवा की वेदी बनाऊं। वो खलियान जहाँ पे गेहूं का खलियान था, जहाँ पे खेती थी, उस खलियान को मांग रहा है मैं वेदी बनाऊं। आज परमेश्वर तुम्हारा ये खलियान मांग रहा है, ये भूमि मांग रहा है, इस भूमि के ऊपर यहोवा के लिए वेदी चाहिए। ये भूमि जो अच्छी फसल देती है, अच्छी फसल देने वाली भूमि को यहाँ पे यहोवा ने दाऊद को कहा, जाकर वेदी बना, उसका पूरा नाम लेकर उसे मुझे दे दो। विपत्ति या विपत्ति प्रजा पर जो है वो दूर की जाए। अगर प्रजा पर जो आज महामारी की विपत्ति आई हुई है, अगर उसको दूर करना है तो तुम्हें और मुझे अपने जीवन में वो वेदी बनानी होगी। ये सुधार किया दाऊद ने, ये सुधार किया, पश्चाताप किया, डांट वोट लिया और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लग गया।
और बाइबल कहती है ओना ने कहा इससे ले ले और मेरे प्रभु राजा जो कुछ भी भाए वो वही करे। सुन मैं तुझे होम बलि के लिए बैल और ईंधन और दावने के लिए हथियार और अन्न बलि के लिए गेहूं सब कुछ मैं देता हूँ। राजा दाऊद ने ओनान से कहा नहीं मैं अवश्य इसका पूरा दाम देकर मोल लूंगा जो तेरा है उसमें मैं यहोवा के लिए नहीं लूंगा और जो सतमित का होम बलि को नहीं चढ़ाऊंगा। तब दाऊद ने उस स्थान के लिए ओनान को 600 शकेल सोना तोल दिया। 600 शकेल सोना मतलब लगभग 7 किलो सोना दिया उस जमीन के लिए। 7 किलो सोना सात ही क्यों आया? सात इसलिए आया कि परमेश्वर का अंक, 7 डुबकियां, यवियों के 7 फेरे, 7 कलीसिया, ये सब बातें पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आगे देखो और तब दाऊद ने वहां यहोवा की वेदी खुद बनाई और होम बलि और बेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की और उसने होम बलि पर ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान करके सुनो 5 मिनट बचे मेरे। और होम बलि की और उस वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। ये वचन मराठी में पढ़ो 26 वचन 21-26 मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा इसको। पहला इतिहास 21 अध्याय वचन 26 दाविदाने तिथे परमेश्वर प्रीत्यर्थ वेदी बांधून होम बलि शांती अर्पण अर्पिले आणि परमेश्वराचा धावा केला। त्या होम बलीच्या वेदीवर दिव्य अग्नी डिवाइन फायर क्या वर्ड है दिव्य अग्नि हिंदी में नहीं है मराठी में दिया है दिव्य अग्नि आई। आज केवल फायर फायर टेक इट फायर रिसीव फायर ये फायर से तुम्हारे मुंह के शब्दों से नहीं आएगा। परमेश्वर की आज दिव्य अग्नि आनी चाहिए। अब जब दिव्य अग्नि आएगी ना तो दिव्य बातें होंगी ये तुम्हारे बोल बच्चन के नहीं होने वाली बातें। दिव्य अग्नि पढ़ ली जवाब दिया जवाब आया। दाऊद ने सवाल किया जवाब आया। इंग्लिश में क्या कहता है एंड डेविड बिल्ट देम एन अल्टर टू द लॉर्ड एंड प्रेजेंटेड बर्नट ऑफरिंग एंड पीस ऑफरिंग एंड कॉल्ड ऑन द लॉर्ड एंड द लॉर्ड आंसर्ड हिम विद फायर फ्रॉम हेवन अपॉन द अल्टर ऑफ बर्नट ऑफरिंग। हालेलुया स्वर्ग से अग्नि उतरा है। आज अग्नि कैसे गिरावे लोगों के पास पता है? मैं हंस रहा था उसी व्यक्ति को देख के। अब उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा आपको जल्दी मिलेगा। पानी की बोतल में तेल डाला उसने अब वो पानी लेके लोगों के ऊपर डाल रहा है अब कहता है रिसीव फायर। अब ये कौन सा तरीका है मुझे आपको बताना है। जहां पर बाइबल शांत है ना वहां पे आप शांत रहो। जहां पे बाइबल जो करने बताता है वही बात करो। ये मनुष्य को खुश करने वाले लोग भीड़ कर जमा हुई है। एक नगर के अंदर एक शुभ संदेश का प्रचारक इब्राहिम कुछ नाम था उसका वो भी पानी की बोतल से पानी डाल रहा है और कह रहा है अग्नि स्वीकारो। अरे डाल रहा है पानी और बोल रहा है अग्नि। ये सब बनावटी बातों से सतर्क हो जाओ। ये सब भरमाने वाली आत्माएं अच्छे अच्छे लोगों के अंदर आ गई है जो बिब्लिकल प्रैक्टिस को छोड़कर नॉन बिब्लिकल प्रैक्टिस कर रहे। अब वो कहते हैं हमारे इधर ये चलता है। अरे तुम्हारे इधर चलता है लेकिन उसके वचन के अनुसार उसके राज्य में नहीं चलता है बाबा। पानी में तेल डाल के कहता है मैं परमेश्वर का लहू डाल रहा हूं ब्लड ऑफ जीसस। अब वो पानी लेके छिड़क रहा है अब लोगों को मजा वापस लेके धमाधम धक्के दे रहा है अब धक्के दे दे के गिरा रहा है। अरे धक्के देने की जरूरत नहीं जब फायर और परमेश्वर की हुजूरी आती है ना तो वो हुजूरी में लोग अपने आप गिरना धकलने की जरूरत नहीं माथे पे मारते। ये सब गलत बातों से आगाह होना है। अभी आगे बाइबल कहता है कि जब आग गिरा कर उसकी सुन ली तब यहोवा ने दूत को आज्ञा दी और उसने अपनी तलवार फिर म्यान में कर ली। जल्दी सितंबर से मुझे आपको बताना है हमारी प्रार्थना योग्य रीति से होती है। जो महामारी फैल रही है तलवार जो स्वर्गदूत महामारी से फैला रहा है म्यान में चली जाएगी सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा।
मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन भविष्यवाणी में, भविष्यवक्ता के ऑफिस में कभी कभी परमेश्वर लेके जाता है। कभी अपोस्टलिक में लेकर आएगा, कभी वांजलिक में लेकर आएगा, कभी प्योर टीचिंग में लेके आएगा, कभी पास्टरल जो है मैं हूँ। लेकिन जब मैं खड़ा रहता हूँ तो प्रभु उसकी मर्जी से तुम्हें और मुझे चलाता है, प्रभु तुम्हें और मुझे लेके आता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हमें उसके अनुसार लेके आता है। आज इन बातों में हमें गहर से देखना है कि दाऊद ने उस गलती को सुधारा, अब किस तरीके से सुधारा। अगर उस बात को एक 5 मिनट में बढ़ा कर लूंगा, मेरे आगे जो कोई प्रचार के लिए, कृपया थोड़ा सा मुझे आपके 5 मिनट दे दो, क्योंकि मैं ये टॉपिक यहाँ पे खत्म करने जा रहा हूँ। यहाँ पे परमेश्वर के साथ उसने गलती को सुधारा। जो सेना को गिनती करने वाला अपनी गलती को कबूल करता है, वो कहता है सेना को मत मार, चाहे तो मेरे घराने को मार। वो टाट पहनता है, वो वेदी के लिए 7 किलो सोना देकर उस जगह को खरीदता है, वहां पर अपने ही घर से बलिदान चढ़ाता है पैसा देकर, फोकट का नहीं। लोग फोकट का चंदन घस में नंदन ऐसा हो गया आज, फोकट का नहीं, परमेश्वर के लिए अपना लगाओ। यहाँ वहां का लोगों को बड़ी बड़ी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें बताकर उनका धन मत निकालो, प्रॉपर वचन के द्वारा काम करो। और उसने वो चढ़ाया, बाइबल कहता है स्वर्ग से, मराठी में अच्छा दिया है, दिव्य अग्नि डिवाइन फायर उतरा, और वो फायर ने जवाब दिया। दाऊद का जवाब ये था, जो तलवार लेके खड़ा था दूत यरूशलेम की तरफ, वो तलवार मयान में चली गई। अब दाऊद को समझ में आया, परमेश्वर शांत हो गए। जरूर परमेश्वर जो सारे देश सारे दुनिया में हाहाकार मचाया था पिछले नवंबर से, हमारे भारत में ये सब शुरुआत हो गया अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अभी सितंबर आएगा, उससे सबको सितंबर में, सितंबर पर नवंबर पर दिसंबर सब कुछ पर, मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया, अद्भुत काम होगा परमेश्वर का। लेकिन यहाँ पे एक बात क्या हुआ बताए, मैं वो बात बताकर रुकना चाहता हूँ। बाइबल ऐसा हुआ, यहोवा का निवास जो मूसा ने जंगल में बनाया था, 29 वचन पढ़ रहा हूं मैं, एक इतिहास 21-29। अब होमबलि की वेदी ये दोनों उस समय गिबोन के ऊंचे स्थान पर थे, परंतु दाऊद परमेश्वर के पास उसके सामने न जा सका, क्योंकि वो यहोवा के दूत की तलवार से डर गया था। 22 वचन का पहला वचन पढ़कर हम रुक जाएंगे। तब दाऊद कहने लगा, यहोवा परमेश्वर का भवन वही है, अब इसलिए के इसराइल के लिए होमबलि की वेदी यही है। कौन सी वेदी? जहां पर उसने बनाई, वो अर्नोन के खलियान में, और वहां पे परमेश्वर ने दिव्य अग्नि से जवाब दिया। इसमें से एक अच्छी बात क्या पैदा हुई पता है आपको? इसमें से एक अच्छी बात ये हो गई, भले 70,000 लोग मर गए, दाऊद की गलती हो गई, दाऊद ने पश्चाताप किया, टाट ओढ़ लिया, जगह खरीद कर ली, वेदी बनाई, परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया, जवाब दिया, लेकिन उसी जगह पे यहोवा का भवन खड़ा होगा, ये चिन्ह प्रभु ने दिया। बाइबल कहता है तब दाऊद ने इसराइल के देशों में जो परदेशी उनको इकट्ठा करके आज्ञा दी, और परमेश्वर का भवन बनाने को पत्थर गढ़ने के लिए संग तराश ठहरा दिए गए। निश्चित मंदिर सुलेमान ने बनाया, लेकिन जहां पे परमेश्वर ने जवाब दिया वो जगह दाऊद ने बताई। हालेलुया, तुम्हारा जवाब जहां पे मिलता है ना, वहां पे परमेश्वर अपना भवन बनाएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं तुम्हें, कलीसिया के लिए जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे इतनी जगह चाहिए, उतनी जगह चाहिए, पैसा चाहिए, आत्मा चाहिए, फलाना चाहिए। तुम्हें जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम परमेश्वर का जीवित मंदिर, लोगों को सुसमाचार सुनाओ। हाथों से बनाने वाले मंदिर परमेश्वर बनाएगा, सीमेंट ईट गारे का पत्थर का मंदिर परमेश्वर बनाएगा, लेकिन वो मंदिर में वो रहता नहीं तो इस मंदिर में वो रहता है। बाइबल कहता है 22:1 में, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है, कहा है जहां पर उसने अग्नि के द्वारा जवाब दिया, कहा है जहां पे वो होम बलि परमेश्वर ने स्वीकारा, कहा है जहां पे परमेश्वर ने, परमेश्वर के दूत ने तलवार को अपने बयान में रख दिया, वही पर सुलेमान ने अपना मंदिर बनाया, वही पर। ये उसमें से अच्छी बात हो गई, दाऊद ने गलती की, गलती को सुधारा, और सुधारने के बाद अच्छी बात ये हो गई, जो परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता था, मेल मिलाप वाले तंबू में रहता था जो उसने बनाया था, वो तंबू से निकाल कर
वो परमेश्वर ने जहां पे जवाब दिया था, जहां पे दिव्य अग्नि उतर के आई थी, जहां पे दूत ने तलवार को मयान में रख दिया था, वहां पे मंदिर का फाउंडेशन रचा गया, मंदिर का पत्थर रख दिया गया। मंदिर बनाने वक्त, चर्च बनाने वक्त पत्थर रख दिया जाता है, वो पत्थर रख दिया गया। पत्थर तो रखा दाऊद ने, लेकिन मंदिर तो बना सुलेमान ने। हालेलुया। पत्थर तो रखा यहोवा पिता ने, लेकिन मंदिर बनाया यीशु मसीह ने। इसलिए वो कहता है कि मैं वो मंदिर गिरा के फिर से तीन दिन में उसको खड़ा करूंगा। ये तीन दिन की जो महामारी थी, गौर से सुनो, इसमें रेवलेशन है, कितना आपको समस्या मुझे पता नहीं है। ये तीन दिन की महामारी जो थी ना, ये तीन दिन की महामारी के बाद यहोवा का एक निश्चित स्थान बन गया, जहां पे सुलेमान ने मंदिर बनाया, वहीं पर ये तीन दिन जो परमेश्वर का पुत्र अधोलोक में गया मृत्यु पाकर, और उसने इसराइलियों को कहा था ये मंदिर में तीन दिन में फिर से खड़ा करूंगा। पुनरुत्थान के बाद वो महिमा का मंदिर लेके पुनरुत्थित होकर रेजरेक्शन पावर को लेकर चेलों में उपस्थित हुआ, और वो आज हमारे जीवन में भी है। तीन दिन की महामारी के बाद मंदिर की स्थापना कहीं पर होगी, वो जगह परमेश्वर ने बता दी, और तीन दिन के बाद यीशु मसीह ने तुम्हें और मुझे नए नियम के अनुसार हमारा जीवन उसका मंदिर बना दिया। बहुत अद्भुत बात है इसमें। हालेलुया। परमेश्वर करे आपको बहुत बहुत आशीषित करे। ये टॉपिक मैं यहाँ पर आज रोक देता हूँ, और एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, जो टीचिंग्स होगा, जो झूठे सेवक, झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रेरित, इसके ऊपर मैं अभी एक टीचिंग शुरू करूंगा, जो टीचिंग नहीं होगी। उस टीचिंग के अनुसार मैं कुछ बातें बताऊंगा, जो आने वाले जो दिन है उस दिन के अनुसार मैं आपको सिखाऊंगा, जो मंडे से शुरू होगा। हालेलुया। तो तब तक के लिए ये सारे टीचिंग को संभाले रखो, इस वचन के अनुसार चलो, गलती हुई है उसको सुधारो, लेकिन बार बार गलती मत करो। दाऊद ने बार बार जाकर सेना को गिनती नहीं की, दाऊद बार बार बेतशेबा जैसे किसी औरत के पाप में नहीं गिरा, दाऊद ने बार बार व्यवस्था के खिलाफ पाप नहीं किया। एक ही बार हुआ, उसका जो नुकसान हुआ उसको समझा, इसीलिए दाऊद अपने नुकसान को कबूल करता है, पश्चाताप करता है, और एक अच्छी शुरुआत करता है। प्रभु कहे हरदम आप आपकी पत्नी हो या आपका पति हो, आपके बच्चे हो, उससे अधिक आप प्रभु को संतुष्ट करोगे तो निश्चित वो आपको एक अच्छे चौड़े स्थान में, आत्मिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, इन पांचों जगह पे एक चौड़े स्थान में पहुंचाएगा। और कहीं पर भी दुष्ट ने आपको बांधा है वहां पे आपको छुड़ाएगा, क्योंकि अगर आप आपके जीवन से खुदा को प्रसन्न करते हो। प्रभु करे आपको बहुत बहुत आशीष मिले, आप प्रभु के वचन में आप बढ़ते रहे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते रहे। May God bless you. Have a blessed day. Amen. Amen.